क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? दरवाजा खोलने में इतनी देर? आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। सब ठीक है ना? आज तो बंटी का कोटा से फोन आने वाला था ना। अरे हाँ, उसका तो आज रिजल्ट निकलना है। क्या हुआ? आपने उसको फोन करके नहीं पूछा? तुम तो जानती हो, फिर भी मुझसे पूछ रही। अच्छा ये बताओ, क्या बात हुई? उसका रिजल्ट नहीं निकला। फिर तो बहुत परेशान हो गया होगा ना वो। आपके लिए? मेरे लिए? हाँ, कह रहा था पापा का सपना पूरा नहीं कर पाया। कर्ज में दबकर कैसे उन्होंने मुझे कोटा भेजा, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे इसमें क्या हुआ, हर बाप अपने बेटे के लिए ऐसा ही करता है। पागल है, फिजूल की बातें बहुत करता है। और कुछ कह रहा था वो? बोल रहा था मन करता है पंखे से लटक जाऊं। तुम उसकी माँ हो या दुश्मन? इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मुझे अभी बता रही हो? फोन लगाओ उसको, जल्दी से फोन लगाओ। उसका फोन नहीं लग रहा है। लाओ मुझे दो। हाँ मम्मी बोलो। अपनी माँ को क्या अनशन बक रहे थे तुम? हाँ कुछ भी तो नहीं पापा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, इतने मायूसी के साथ क्यों बोल रहे हो? उसको बोलो वीडियो कॉल करेगा। वीडियो कॉल लगाओ। नहीं पापा। वीडियो कॉल लगाओ मुझे, अभी लगाओ वीडियो कॉल। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। इस बात के लिए माफी? तूने कोई चोरी की है? नहीं पापा। तो फिर? मैं फिर से फेल हो गया। तो क्या हुआ? आपका सपना टूट गया। वो मेरा नहीं, तेरा सपना था पगले। मैं तो बस तेरी जरूरतें पूरी कर रहा था। मैंने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया, खाली एक पोट दी। बिल्कुल नहीं, तूने कोई कुकर्म किया होता या किसी लड़की के साथ अनैतिक व्यवहार किया होता, अनैतिक काम किया होता, तो मेरे चेहरे पर काली कुत्ती। तू तो बस फेल हुआ है बेटा, कागजी पढ़ाई में। पर पापा, फेल होने का भी नतीजा समझो। बहुत अच्छी तरह फेल होने का सिर्फ एक ही परिणाम है कि तू अपने जीवन में इंजीनियर नहीं बनेगा। तो पापा ये क्या कम है क्या? बहुत कम। इतनी बड़ी जिंदगी की उपलब्धि क्या केवल डॉक्टर, इंजीनियर या क्लास वन ऑफिसर बनने में? ये तो रोजी रोटी कमाने का जरिया मात्र है। इसके अलावा भी ईमानदारी के साथ हजारों तरीके से रोटी कमाई जा सकती है बेटा। पर बाबा मैंने तो कुछ और सोचा था ना। क्या? यही कि मैं ऐसा काम करूंगा जिससे आप गर्व महसूस करें, समाज में आपका इज्जत रहे। तू हमारा गर्व है बेटा, और आज तक तेरे बारे में कभी भी किसी ने मुझे कुछ भी बुरा नहीं कहा। इससे बड़ी प्रतिष्ठा की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है बेटा? फिर भी पापा। फिर भी क्या? ना तेरे बाबा बड़े ऑफिसर थे, ना मैं। क्या हमारे खानदान को समाज में निकाल दिया? क्या हमारे खानदान की समाज में नाक कट गई? क्या हम में से किसी ने आत्महत्या कर ली बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब फालतू बातें छोड़कर पढ़ाई में अपना ध्यान। ईश्वर ने जो तेरे भाग्य में लिखा होगा वो होगा। पर हां बेटा, इस बार ना तू दिवाली पर घर आ जा, हम सब मिलकर इकट्ठा होकर घर की सफाई करेंगे, खरीदारी करेंगे, दिए जलाएंगे और खूब सारी मिठाई खाएंगे बेटा। हाँ पापा। हाँ पापा क्या? तुझे आना ही होगा, और इस बार जब तू आएगा ना तो तुझे मैं अपने गांव घुमाने ले जाऊंगा। हाँ, तुझे बहुत सारे मोर और हिरण देखने के लिए मिलेंगे। और इस बार ना हमारे बागीचे में मधुमक्खियों ने भी अपना छत्ता लगाया है बेटा। हम शहद तोड़ने के लिए जाएंगे, इस बार हमारे खेत में फूलों की बहुत अच्छी खेती हुई है बेटा। हम तितलियों के पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे, उन्हें पकड़ेंगे। क्या पापा, अब आप भी छोटे बच्चों जैसे बातें करते हो। अच्छा, मेरा ही जन्मा मुझे ही सयानापन सिखा रहा है। सीख जाओ ना, क्या अर्ज है? सयानापन अपने साथ दुख लाता है बेटा, जैसे मैंने अपने बचपन को बचा कर रखा है ना, तू भी रख। यही यही सबसे बेहतर जीने का तरीका है बेटा। जी पापा। अच्छा तू एक काम कर, अपने कमरे का फैन तेज कर दे।
चैन की नींद सो जा। ओके पापा। लव यू बेटा। लव यू टू पापा। सरला, एक कप चाय मिलेगी? अभी लाए। और हाँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ तितलियां पकड़ने। सपनों को पूरा करने के लिए हौसलों के पंख लगाइए। किसी भी मोड़ पर असफलता से निराश मत होइए। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे ही आशा और प्रोत्साहन देगा तो उन्हें कभी सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार।